हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन फ्लेवर्स। मैं आपकी फ्रेंड पायल। आज हम बनाने जा रहे हैं टू वे सैंडविच के हेल्दी रेसिपीज़ हैं ये दोनों, हमारी बच्चों को पसंद आने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट सैंडविच, मायो वेजी सैंडविच। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये लेंगे चॉप्ड अनियंस, ग्रेटेड कैरेट्स और चॉप्ड कुकम्बर, जिसको हम एक बाउल में मिक्स करेंगे। तो अब इसके अंदर हम मेयोनीज ऐड करेंगे। मार्केट में बहुत तरह की मेयोनीज मिलती है, वेज नॉन वेज, जो आपको प्रेफर हो आप वो कोई भी यूज कर सकते हैं। और अकॉर्डिंगली कि ये जो हमारा मिक्सचर है ये मेयोनीज में बिल्कुल मिक्स हो जाए, पर ना मेयोनीज ज़्यादा हो हमारी ना बहुत ज़्यादा कम हो। सो देखिए ये बिल्कुल स्प्रेड की तरह तैयार हो गया है हमारा जो मिक्सचर है। इसमें हम लोग थोड़े ड्राई अपने मसालाज ऐड करेंगे, जिसमें हमें ये हल्का सा आप नमक लेंगे अपने अकॉर्डिंगली, आपको जैसा तेज कम जैसा भी आप प्रेफर करें। हल्की सी रेड चिली पाउडर, ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर। इसमें हम लोग कुछ और सॉस भी ऐड करेंगे, जिसमें मैंने ली है मस्टर्ड सॉस 1 टीस्पून, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है तो इसको हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। एंड टमाटो सॉस। नाउ मिक्स इट प्रॉपरली, कि ये ठीक से जो सारी सॉसेज हैं हमारे मिक्स हो जाएं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ ये ब्रेड स्लाइसेस ले लिया। आप कोई सी भी ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, आटा ब्रेड, मैदा ब्रेड। मैं यहाँ आटा ब्रेड यूज़ कर रही हूँ। इसके हम कॉर्नर्स कट कर देंगे, और कॉर्नर्स हम लोग फेंकेंगे नहीं, ये हमारे ब्रेड क्रम्स में यूज़ हो जाते हैं, तो आप इन्हें चॉप कर सकते हैं। तो अब हम अपने ब्रेड स्लाइसेस पे इवनली जो है अपना जो हमने अभी स्प्रेड बनाया था वेजी स्प्रेड, उसको हम ठीक से ब्रेड स्लाइसेस पे लगा लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा इवनली स्प्रेड हो गया। अब हम ब्रेड से कवर कर देंगे दूसरे स्लाइस से, और इसके ऊपर हम बटर अप्लाई करेंगे। ये बटर हमने अप्लाई कर लिया है, और इधर अब हम अपने ग्रिलर में इसको प्लेस कर रहे हैं। ग्रिलर हमने पहले से ही गरम करने रख दिया था। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मायो वेजी सैंडविच रेडी है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट रेसिपी, चटनी कॉर्न चीजी सैंडविच। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये चटनी कॉर्न सैंडविच के लिए हम लोग पहले इसका चटनी प्रिपेयर कर लेंगे, जिसके लिए मैंने ये कोरिएंडर ले लिया है थोड़ा सा, ये मैंने मिंट लीव्स ली हैं, ये ग्रीन चिलीज हैं दो, और ये कच्चा आम। इसको हम लोग पहले वॉश कर लेंगे प्रॉपरली एक प्लास्टिक में ऐड करके। तो ये फ्रेंड्स, मैंने ग्राइंडर में ये चटनी के लिए वॉश करके मैंने ये सारे इन्ग्रीडियंट्स इसमें डाल दिए, और हम इसमें हल्का सा नमक डालेंगे। इसमें बिल्कुल 1 टीस्पून जितना हम पानी ऐड करेंगे, और इसके बाद इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये मैंने ग्राइंड कर लिया है। देखिए, इसकी स्मूथ पेस्ट बन गई है। इसको हम अब एक बाउल में निकाल लेते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये हमारी चटनी रेडी है, मिंट कोरिएंडर, और ये मैंने 1/4 कॉर्न्स जो हैं बॉईल कर ली हैं, बॉईल करके रख ली हैं, और ये हमारा मोज़रेला चीज़ जिसे मैंने ग्रेट करके रख लिया है। चलिए, अब मैं ये ब्रेड स्लाइसेस ली हैं, इसको मैं कॉर्नर से पहले कट कर लेती हूँ। सो मैंने ये ब्रेड स्लाइसेस ली हैं, इस पर सबसे पहले हम अपनी चटनी को ठीक से लगा लेंगे। हमको इसमें कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज चटनी में हमने सब कुछ चिली वगैरह सब कुछ हमारे डल चुकी है। तो अब हम इसमें जो है बस सिंपल इस पर कॉर्न्स हमारे स्प्रेड करेंगे। ये बहुत ही हेल्दी और सिंपल और इजी रेसिपी है, जो बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली है। नाउ अब इसके ऊपर हम लोग चीज़ स्प्रेड करेंगे। हल्का सा ब्लैक पेपर आप इसके ऊपर स्प्रिंकल करके, ऐसे ही हम लोग बाकी स्लाइसेस अपने तैयार कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हम दूसरी स्लाइसेस से कवर करके इस पर हम लोग बटर अप्लाई करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये सैंडविच हमने ग्रिलर में प्लेस कर दिए हैं, तो हम इसे ग्रिल कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारे चटनी कॉर्न चीज़ी सैंडविच तैयार है। होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।